चैलेंजर्स बेंगलुरु का अब मुकाबला होने वाला है किंग्स इलेवन पंजाब से। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जहां ये तीसरा मैच है, वहीं किंग्स इलेवन पंजाब का ये दूसरा मैच है। इससे पहले आरसीबी एक मैच जीतकर एक मैच हार चुका है और किंग्स इलेवन पंजाब ने हाल ही में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को मात दी है। तो चलिए बात करते हैं आपसे उन 11 खिलाड़ियों की जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट। सबसे पहले आते हैं क्रिस गेल। आपको बता दें कि क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पिछले दोनों ही मैचेस में बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं किया है। बेंगलोर के इस खिलाड़ी ने दिल्ली डेयरडेविल के विरुद्ध खेलते हुए केवल 6 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी क्रिस गेल आरसीबी की टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इसीलिए ओपनर के तौर पर उनका स्थान आरसीबी में पक्का है। इसके बाद आते हैं मनदीप सिंह। मनदीप सिंह ने भी पिछले मैच में आरसीबी के लिए कुछ खास नहीं किया, उन्होंने 10 गेंदों पर 12 रन बनाए थे। वहीं आरसीबी की टीम में इस बार जो वापस आ सकते हैं वो हैं एबी डिविलियर्स। जी हाँ, एबी डिविलियर्स चोटिल चल रहे थे, इसलिए शेन वॉटसन को उनकी जगह पर कप्तानी थमाई गई थी, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि एबी डिविलियर्स ठीक हो चुके हैं और वो अब आरसीबी के खेलने के लिए तैयार हैं, इसलिए हो सकता है कि एबी डिविलियर्स को इस मैच में जगह दे दी जाए और शेन वॉटसन की जगह एबी डिविलियर्स कप्तानी करे। चौथा आरसीबी का खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण है वो है शेन वॉटसन। इसके बाद पांचवे स्थान पर आते हैं विकेटकीपर बैट्समैन केदार जाधव। पिछले मैच में सिर्फ केदार जाधव ही थे जिन्होंने दिल्ली के विरुद्ध 69 रन बनाए थे। केदार जाधव के बाद अगले खिलाड़ी हैं सचिन बेबी। सचिन बेबी ने बॉल से अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक विकेट चटका था। इसके बाद आते हैं स्टुअर्ट बिनी। स्टुअर्ट बिनी के बाद श्रीनाथ अरविंद की जगह भी इस टीम में पक्की समझी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले मैच में भले ही अरविंद ना खेल पाए हो, लेकिन इस मैच में उम्मीद करी जा रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अरविंद के बाद जिसकी जगह पक्की मानी जा रही है वो है टाइमल मिल्स, और पिछली बार इन्होंने अपनी टीम के लिए केवल 33 रन देकर एक विकेट चटकाया था। अब बात करते हैं यजुवेंद्र चहल की। जी हाँ, उन्होंने अपनी टीम के लिए 19 रन देकर एक विकेट चटके थे। यजुवेंद्र चहल के बाद जिस आखिरी खिलाड़ी का नाम आता है वो है अनिकेत चौधरी। अनिकेत चौधरी की भले ही पिछले मैच में बारी ना आई हो, लेकिन इस मैच में उम्मीद करी जा रही है कि वो अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये थे आपके लिए बेंगलोर की टीम के वो प्लेइंग 11 जो आज किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ उतर सकते हैं मैदान पर।